वाराणसी चौकाघाट काली मंदिर के पास 28 अगस्त को दिन दहाड़े हुए डबल मर्डर की वारदात का पर्दाफाश हो चुका है। वाराणसी पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। जैतपुरा पुलिस और क्राइम ब्रांच टीम ने संयुक्त अभियान में गिलट बाजार पुलिस चौकी के पास से इन्हें गिरफ्तार किया है। असला तस्कर अभिषेक उर्फ प्रिंस को हाल ही में जौनपुर में सरेंडर कर चुके हनी गैंग के छात्र विवेक सिंह कट्टा ने पुरानी दुश्मनी में मरवाया था। इसकी साजिश और जौनपुर जनपद के जलालपुर थाना क्षेत्र में बनाई गई थी। इस संबंध में मीडिया के सामने तीन अभियुक्तों को पेश करते हुए एसपी सिटी विकास चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि थाना प्रभारी जैतपुरा शशिभूषण राय और क्राइम ब्रांच प्रभारी अश्विनी पांडे 28 अगस्त को हुए दोहरे हत्याकांड के अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के संबंध में कचहरी चौराहे पर विचार विमर्श कर रहे थे। उसी समय मुखबिर सूचना मिली कि इस हत्याकांड में शामिल तीन अभियुक्त गिलट बाजार तिराहे से कहीं भागने की फिराक में हैं। इस सूचना पर विश्वास करते हुए गिलट बाजार तिराहे पर घेराबंदी कर मुखबिर द्वारा बताई गई बाइक संख्या UP 62 AK 1005 को आते देखा तो उसे रुकने का इशारा किया, पर बाइक पर सवार लोगों ने बाइक नहीं रोकी। इस पर पुलिस ने आवश्यक बल का प्रयोग कर बाइक को रोक लिया। बाइक पर सवार तीनों लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो एक ने अपना नाम प्रभाकर उपाध्याय निवासी सलेमपुर थाना जलालपुर जनपद जौनपुर, दूसरे ने नवीन सिंह निवासी ऐसे 7/16 के बेनीपुर थाना सारनाथ जनपद वाराणसी और तीसरे ने शाश्वत सिंह निवासी परसाईपुर थाना जलालपुर जनपद जौनपुर बताया। इन तीनों ने पुलिस पूछताछ में चौकाघाट हत्याकांड में शामिल होने की बात कबूल कर ली है। संवाददाता दिलीप कुमार की रिपोर्ट। घर पे एक व्यक्ति की हत्या हुई थी जिसमें दो FIR पंजीकृत की गई थी। एक FIR में इनके द्वारा विवेक सिंह कट्टा को नामजद किया गया था, लेकिन बाद में इसमें घटना का खुलासा हुआ, उसमें कुछ अन्य लोग जेल गए थे। ये काफी दिनों से रंजिश लगभग 2013 से वर्ष 2013 से इनकी चली आ रही थी। जो मुख्य रंजिश इनकी 2013 में प्रारंभ हुई थी, उन मुकदमे के जो मुकदमे लिखे गए थे उसमें हम लोगों ने विश्लेषण किया, आपसी कुछ लेन देन को लेकर के विवाद शुरू हुआ था। बाद में वर्चस्व की लड़ाई तक ये विवाद वर्तमान में चल रहा था। इस घटना में मुख्य रूप से जो लोग CCTV कैमरों के माध्यम से, जमीनी अवसूचना संकलन के माध्यम से, जो डिजिटली हम लोगों ने साक्ष्य संकलित किया उसके माध्यम से जो तीन गिरफ्तार हुए हैं, उसके अतिरिक्त जिन लोग के नाम मुख्य रूप से सामने आए उनमें विवेक सिंह कट्टा, रवि प्रताप सिंह, अतुल विश्वकर्मा, ये कुद्दूपुर 9 बजा जौनपुर का रहने वाला है, विजेंद्र सिंह बब्बू केराकर जौनपुर का रहने वाला है, हेमंत सिंह सेमरी बड़ी गांव का रहने वाला है वाराणसी का, और अभिनव प्रताप सिंह ये कैंट क्षेत्र का रहने वाला है। इन लोगों के नाम इसमें और प्रकाश में आए हैं, जिसमें विवेक सिंह कट्टा दिनांक 14/9/2020 को जौनपुर से अपने पुराने मुकदमे में सरेंडर करके जेल चला गया है, जहां से इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है, उसका वारंट भी बनवा लिया गया है और उसको पुलिस कस्टडी रिमांड लेने का प्रयास किया जा रहा है। शेष चार अभियुक्तों रवि, अतुल, विजेंदर और हेमंत पे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा 25,000 रुपए का पुरस्कार घोषित किया जा चुका है। इस घटना में जो इसकी खड़ियंत इसका रचा गया, इसमें 3-4 स्थानों पे इसकी मीटिंग हुई, जिनमें से एक घटना के 2 दिन पहले मेहनगर में रवि प्रताप सिंह का जहां पे घर है वहां पे एक मीटिंग हुई थी जिसमें सभी लोग इकट्ठा हुए थे। इसके अतिरिक्त विवेक सिंह कट्टा के लोहगाजर स्थित गांव पे एक मीटिंग हुई थी, उसमें कई लोग इकट्ठा हुए थे, जहां पे फाइनली ये डिसाइड किया गया कि अब ये काम कर देना है। ये जो इनकी पुरानी रंजिश थी उस रंजिश को फाइनलाइज करने के संबंध में वहां पे सभी अभी टुकड़े ने आपस में प्लान किया और उसके बाद विवेक सिंह कट्टा के द्वारा अपना मोबाइल नंबर वहीं से बंद कर लिया गया। इन अभियुक्तों के द्वारा उनको नया मोबाइल नंबर, नया डोंगल, नया सिम, सारी चीजें प्रोवाइड की गई। की गौड़ जिसको भी गोलियां लगी थी, कुल 3 लोग को गोलियां लगी थी, जिसमें 2 लोग की इसमें मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति घायल हुआ था। घटना अत्यंत ही दुस्साहसिक और सनसनीखेज तरीके से की गई थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी महोदय के द्वारा इसमें क्राइम ब्रांच की टीम को पुलिस अधीक्षक क्राइम के नेतृत्व में और जो जनपद थाने की टीम थी, कुल मिलाकर के 5 टीमें इसमें गठित की गई थी घटना के अनावरण के लिए और अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए। सभी टीमों द्वारा आपस में इस घटना के संबंध में अभिसूचना संकलन किया जा रहा था। लगातार जो घटनास्थल था वहां से प्राप्त साक्ष्यों का विश्लेषण किया जा रहा था। घटना के पश्चात ही हमें तत्काल घटनास्थल से ही कई महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हो गए। इसमें हम लोगों ने जो घटनास्थल पे लोगों से बातचीत किया, पूछताछ किया, जो लोग भी प्रत्यक्षदर्शी थे उनसे पूछताछ हुई, जो घटनास्थल थे जहां से मृतक चले थे अपनी मोटरसाइकिल से, उनका घर जहां था वहां से लेकर के घटनास्थल के बीच में हमने सारे CCTV कैमरों को ट्रैक किया,
और तत्काल ही हमें कुछ बड़े महत्वपूर्ण सुराग मिल गए जिसके सहारे आगे फिर हम लोग बढ़े। ये स्पष्ट हो गया था कि जो घटना को अंजाम दिया गया है वो आपसी रंजिश में किया गया है। इस घटना में जो मुख्य टारगेट था वो अभिषेक प्रिंस नाम का व्यक्ति था जो कि मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा हुआ था। शेष दो लोग, एक व्यक्ति उसके साथ में थे, एक राहगीर थे, उनको गोली लगी थी। अभिषेक सिंह प्रिंस के बारे में जानकारी और की गई तो लालपुर क्षेत्र का जेल के पास उनका घर था, वहां से वो चले थे मोटरसाइकिल से रामनगर जाने के लिए। रास्ते में कई सीसीटीवी कैमरों का हम लोगों ने विश्लेषण किया, उससे इस घटना में दो महत्वपूर्ण नाम निकल करके आए, विवेक सिंह कट्टा और रवि प्रताप सिंह। इसमें जो बाइक सवार है जिन्होंने पीछा किया था इनका, मृतक का, इनके घर से चलने के बाद वहां से दो मोटरसाइकिलें और एक स्विफ्ट VDI कार, उससे इनकी रेकी की गई थी और उसी से पीछा किया गया था। इसी घटना में आज हम लोगों ने अनावरण करके तीन अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है। जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं इसमें शाश्वत सिंह उर्फ गोलू, ये परसाईपुर जलालपुर जौनपुर का रहने वाला है। दूसरा प्रभाकर उपाध्याय, ये सलेमपुर जलालपुर जौनपुर का रहने वाला है। और तीसरा आयुष उर्फ नवीन, सारनाथ वाराणसी का रहने वाला है। घटना के पीछे जो मुख्य दो लोग आए जिनके द्वारा इस घटना की षड्यंत्र रचा गया था, जिनकी मुख्य रूप से अभिषेक सिंह प्रिंस से रंजिश थी, उसमें विवेक सिंह कट्टा और रवि प्रताप सिंह का नाम निकल करके आया। विवेक सिंह कट्टा यहाँ का एक अपराधी है, कुख्यात अपराधी है, जिसके विरुद्ध यहाँ पे लगभग 1.5 दर्जन अभियोग अलग अलग थानों पे यहाँ पे और जौनपुर में पंजीकृत है। उसके अन्य भी कई बड़ी अपराधियों से संबंध है, उनके गैंग से उसका संबंध रहा है और कई जघन्य अभियोग की घटनाओं में वो पहले जेल जा चुका है। विवेक सिंह कट्टा से इनकी रंजिश मुख्य रूप से 2013 में सामने आई थी। 2013 में रामनगर में अभिषेक सिंह प्रिंस के द्वारा एक विवेक सिंह कट्टा को गोली मार दी गई थी। न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए।